बेसन में छुपा है ब्यूटी के कई राज। अगर आप भी इससे सहमत है तो वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो चैनल, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि बेसन हमारे स्किन के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना असरदार है। पहले लोग बेसन से ही फेस वॉश या फेस वॉश यूज करते थे और उससे ही बेसन और हल्दी शाइन करती थी। तो बेसन में कई राज छुपे आई हूँ मैंने, इसमें बहुत सारे बताए हैं। आप इसको अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आपका जैसा स्किन हो उसके अकॉर्डिंग ये फेस पैक यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है इस वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते। इसको बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच बेसन लिया था। 2 चम्मच के बेसन में आधा नींबू डाल दे रही हूँ और इसको फिर मिक्स कर ले रही हूँ। ये पिंपल्स, ये मार्क्स पिंपल्स को दूर करेगा, रंग को निखारेगा। बेसन हमारे जो भी स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं उसको सोखता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट और लाइट बनाने में मदद करता है। और जो भी हमारे पिंपल्स आते हैं वो हमारी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं उससे ही निकलते हैं। जब हमारी स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहेंगे तो पिंपल्स हमारे स्किन में बहुत कम आएंगे। फिर मैंने अपने चेहरे को साफ कर लिया था पहले से और फिर मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद मैं 10 मिनट इसको सूखने दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं सादे पानी से इसको धुल लूंगी। और मेरा जो सेकंड मार्क्स है वो है, मैंने इसमें लिया है 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच के बेसन में मैंने कच्चा दूध डाल ली, रॉ मिल्क डाल ली 1 चम्मच। और इसको मैं फिर एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है ये मार्क्स जो होता है। तो बेसन भी अगेन एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करने में, सूखने में मदद करता है। कच्चा दूध में प्राकृतिक नेचुरल क्लींजिंग होती है जो हमारे स्किन को जो एक्स्ट्रा ऑयल आते हैं उसको सोखता, उसको सही करेगा। तो आप पहले इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। फिर मैंने अपने चेहरे को साफ कर लिया था और फिर मैं इसको अपने पे अप्लाई कर ले रही हूँ। 10 मिनट तक रखूँगी। 10 मिनट के बाद मैं फिर से वॉश कर लूँगी। गाइस मैंने इसमें 2-3 जितने भी मार्क्स बनाए उसको मैंने सुखाया है, फिर से वॉश किया है, लगाया है। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, 3-4 बार मैंने ऐसा किया है इसमें। तो प्लीज़ अगर मैं एक बार आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो ये देखिए सूख गया और मैंने फिर इसको धुल लिया था। बहुत इफेक्टिव है ये। तो आप तीसरा जो मेरा मार्क्स है वो है, मैंने लिया था बेसन। बेसन में मैंने क्या किया था, खीरे का जूस मैंने कद्दूकस कर लिया था ये खीरा, फिर इसको जूस को निकाल लिया था। ये मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने मिक्स कर लिया था बेसन में और ये अपना खीरे का रस, फिर इसको मिक्स कर लिया था। देन मिक्स करने के बाद मैंने फिर से अप्लाई किया है। सच में गाइस अगर आप धूप से आते हैं तो ये वाला जरूर ट्राई करें, जरूर ट्राई। ये हमारी स्किन की झुर्रियों को दूर करेगा और हमारी स्किन में एक ठंडक लेके आता है। इतना ठंडा लग रहा था जब मैंने लगाया स्किन पे अपने, ये बहुत ठंडक लेके आता है। तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। इसको भी मैंने 10 मिनट तक सूखने दिया था, लेकिन मैंने इसमें एक और ट्रिक अपनाया था। जो मैंने कद्दूकस किया था खीरे को मैंने कद्दूकस जो किया था वही मैंने अपने स्किन पर फिर लगा लिया था। सच में गाइस आप इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करिएगा। फिर देखिए ये मैंने ऐसे लगा लिया था, सूखने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। मेरी स्किन पहले से बहुत ठंडा महसूस हो रही थी, बहुत ग्लोइंग हो गई थी और मैंने डार्क सर्कल के एरिया में लगाया था। तो अब मेक श्योर आप इस तरह डार्क सर्कल हो जहाँ वहाँ पर देखिए ऐसे लगा सकते हैं। फिर आप 10 मिनट सूखने के बाद फिर से आप ठंडे पानी से इसको धुल लीजिएगा। और फिर मेरा जो नेक्स्ट है ये है, ये दूर करेगा हमारा सन टैन जो हमारे स्किन की हो जाता है उसको दूर करेगा। इसके लिए मैंने बेसन लिया था 2 चम्मच के करीब। उसमें मैं अगेन नींबू डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब और हल्दी पाउडर 1 चम्मच के करीब। ये तीनों को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। ये हमारी स्किन को सन टैन, जो भी हम लोग धूप से आते हैं तो हमारी स्किन में देखिए जहाँ हमें चप्पल के निशान पर या जहाँ तक हम लोग चप्पल पहने थे वहाँ तक गोरा रहता है, उसके बाद काला दिखता है, तो उसको सन टैन को दूर करता है ये। आप जब भी धूप से आए तो आपको सन टैन हो रखा है तो आप ये बस क्विकली है, बहुत जल्दी 2 मिनट में ये बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं, मैंने बाद में हनी ऐड किया है ये। तो आप इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर मैंने इसमें दूध डाल के थोड़ा थोड़ा इसको पेस्ट बनाया था और फिर मैंने जो कच्चा दूध था उससे ही मिक्स कर लिया। आपके पास नहीं है तो आप गुलाब जल पानी किसी भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह। फिर मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया था दूध डाल के, कच्चे दूध को, और फिर मैंने इसको अपने स्किन पर साफ स्किन पर लगा लिया था और 10 मिनट तक सूखने दिया था। 10 मिनट के बाद मैं गुलाब जल डाल के भी देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड करें। आप इस तरह से कर सकते हैं, गुलाब जल दूध जो भी हो, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा बता दे रही हूँ। और बाद में मैंने इसमें नींबू भी डाला था थोड़ा सा, आप नहीं है
मत डालिए, है तो डाल दीजिए। अभी मैंने अपने चेहरे को साफ कर लिया था, ये देखिए। और फिर मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। सच में गाइस ये वाला रेमेडी मेरा फेवरेट रहा, बहुत इफेक्टिव, मेरी स्किन को बहुत ग्लो आया ये लगाने के बाद। आप खुद लगाइएगा, आप ट्राई करेगा तो खुद आपको पता चलेगा। तो ये सब करने के बाद गाइस को मैंने सूखने दिया था 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर लीजिए चेहरे को। फेस वॉश नहीं करना है, कोई भी मास्क लगाए उसको फेस वॉश नहीं करें। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नहीं है तो भी आप इसको एक ट्राई कर सकते हैं, एक एक करके, एक दिन हफ्ते में 2-3 बार ऐसे एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरदार है ये। अब तो आप मेक श्योर आप ट्राई जरूर करिएगा, तो प्लीज और लाइक जरूर। तो ये फेस पैक आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और मैंने तो आगे सारी चीजें बताई दी है। तो ये करिए और एंजॉय करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर कमेंट प्लीज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।